नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। प्रदेश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में रेवाड़ी के कोसली में भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के संयोजन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा के दौरान करीब 2,500 महिला पुरुषों ने शिरकत की। इस दौरान भारत माता के गगनभेदी जयकारे लगाए गए, वहीं हर घर तिरंगा के स्वर गूंजते रहे और यात्रा के समापन पर वॉर मेमोरियल पर शहीदों का माल्यार्पण कर शहीदों के बलिदान के प्रति आस्था प्रकट की गई। आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत गर्व और गौरव के साथ प्रत्येक भारतीय अपने घर पे तिरंगा फहरा रहा है। उस भावांजलि के साथ 90 साल की लड़ाई में इस देश में 3,27,000 लोगों ने इस आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। 13,500 लोगों को अंग्रेजों की सरकार ने न्यायालय से सजा दे के मार दिया, किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को गोली से भुनवा दिया, किसी को टॉप से उड़वा दिया। हरियाणा के भी जर्रे जर्रे में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। सबसे ज़्यादा ताकत के साथ जो यहाँ लड़ाई लड़ी गई वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें राव तुलाराम लड़े, उनके सहयोगी लड़े, राजा नहर सिंह लड़े, और हरियाणा में कोई झज्जर का नवाब हो, चाहे कोई भादुगढ़ का नवाब हो, चाहे मेवात में ये लड़ाई लड़ी गई हो, चाहे रोहतक में लड़ी गई हो, चाहे हिसार में लड़ी गई हो, सिरसा में लड़ी गई हो, और इसकी शुरुआत जो है अंबाला छावनी से हुई है। उन सबको याद करते हुए, उनके उस अप्रतिम बलिदान को याद करते हुए, और जिन लोगों ने 62 के युद्ध में, चाहे रेजांगला के वीर हों, चाहे 65 की लड़ाई लड़ने वाले हों, चाहे 71 की लड़ाई लड़ने वाले हों, चाहे कारगिल का युद्ध लड़े, हमारे 100 लोगों ने उस समय शहादत दी थी 400 में से कारगिल के युद्ध में, चाहे आतंकवाद से लड़े, ऐसे सब वीर जिन्होंने आज़ादी की रक्षा की। किसी ने कहा है कि तिरंगा हवा से नहीं फैरता, बलिदानियों की अंतिम सांसों से फैरता है। आज एक और खास दिन है, विभाजन की विभीषिका। कहने वालों ने यह भी कहा कि भारत को आज़ादी विभाजन की कीमत पर मिली। विभाजन की कीमत थी 10,00,000 लोगों की मौत, 1.5 करोड़ लोग शरणार्थी, 10,000 बहनों की असमतों पर हमला। ये कोई मामूली कीमत नहीं थी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि हमारी लाश पे विभाजन होगा, लेकिन 10,00,000 लोगों की लाशें बिछ गई। जो बैरिस्टर रेडक्लिफ या विभाजन की लाइन खींचने के लिए आए थे इंग्लैंड से, इंग्लैंड गए तो उनसे पत्रकारों ने पूछा, क्या कभी आप भारत पाकिस्तान वापस जाएंगे? उन्हें कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं ऐसा पाप करके आया हूं कि बंगाल और पंजाब के 8 करोड़ लोग मुझे दरखास्त लेकर ढूंढ रहे हैं, जिनका मैं सामना नहीं कर सकता। इसलिए आज के दिन उन सबको याद करना चाहिए जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, उनको फिर से उसमें से गुजरना पड़ता है। हम अपने दुखद पलों को भूले नहीं। मैं बधाई देता हूं आज लक्ष्मण यादव जी को, हुकम जी को, यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पूर्व विधायक विक्रम जी भी साथ हैं, पार्टी के सभी नेताओं को। बहुत भव्य तिरंगा का आयोजन कोसली में किया है धनखड़ जी, उन सभी बलिदानियों की याद में किया है, एक अलग जगाई है। और इस बार जब लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, जहां उस 90 साल के संघर्ष को याद कर रहे हैं, तो अगले 25 साल को भी याद कर रहे हैं कि अमृत काल भारत का कैसा हो, कैसे भारत दुनिया का सिरमौर बने। आप कांग्रेस की तरफ से यात्रा निकाली, उन आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी ने 1980 के बाद तिरंगा फहराना शुरू किया, साथ में जो जातिगत भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, वो खत्म करे बीजेपी, इस तरह की। देखिए, कांग्रेसियों ने तो वही तरीका अपनाया था जो ब्रिटिशर्स अपनाते थे, फूट डालो राज करो, और ये काम वो वर्षों से करते रहे। तिरंगे के बारे में बोलने का मुझे लगता है कांग्रेस को अधिकार नहीं है।
एक तारीख में बता रहा हूँ आज चलाना आप, 30 दिसंबर 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद करके तिरंगा फहराया था। कांग्रेसियों ने इतिहास से ये तारीख छुपा दी। कांग्रेसियों ने ऑर्डर पास किया लिखित में कि ये डी सेरेमोनियल है, यहाँ पर कोई झंडा नहीं फहराएगा। वहाँ झंडा फहराया गया तो अटल जी के राज में भैरव सिंह जी शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति फहरा कर आए। मनमोहन सोनिया का जब दोबारा राज आया तो फिर से ऑर्डर निकाला कि ये डी सेरेमोनियल है। अब मोदी जी जाकर वो झंडा फहरा के आए और इतना ऊंचा फहरा दिया, अब कांग्रेस से उतर नहीं सकता। ये वो लोग हैं जो चमची मार कर ये कहा करते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वो लोगों को याद है, लोग भूले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा देश बनाने की कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाओ और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाकी एयरपोर्ट के नाम नहीं रखे थे। किसी का डमडम एयरपोर्ट था, किसी का सांता क्रूज एयरपोर्ट था। अटल जी का राज आया तो सांता क्रूज छत्रपति शिवाजी हो गया और डमडम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया। गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई हो गया। नागपुर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गया। आमोसी चौधरी चरण सिंह हो गया। रायपुर स्वामी विवेकानंद हो गया और पोर्ट ब्लेयर विनायक दामोदर सावरकर हो गया। इन्होंने तिरंगे पर भी केवल अपना अधिकार जमा रखा था, अपना फ्लैग बनाकर। इनसे लड़ाई लड़ी लोगों ने, नवीन जिंदल ने लड़ी जो बाद में बेशक इन्हीं की पार्टी के साथ थे तिरंगा फहराने की। और आज मोदी जी ने हर घर तिरंगा फहराने का रास्ता खोल दिया है। कांग्रेसी तो इस देश को अपनी बपोती समझते थे, अब आम जन के साथ, भारत के हर जन के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसके कारण से भारत का हर जन इसमें शामिल हो रहा है। धनखड़ जी, एक चर्चा का विषय बना हुआ है आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, जिसमें मानसिक रूप से कमजोर दिखाया गया उसे, और जो पूर्व सैनिक हैं या सैनिक हैं उनके परिजनों में रोष है। देखिए, फिल्मांकन वो हो जो देश के हित में हो। अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मर्त्यो माँ अमृतगमय, जो भारत को मजबूत करने वाला हो, ये देश उसी फिल्मांकन को पसंद करता है। फ्रीडम फाइटर के लिए क्या कर रही है?